हेलो स्टूडेंट, ये क्लास DRT सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें अपना सब्जेक्ट है जियोग्राफी सेकेंड स्पेशल। आज का अपना टॉपिक है लिम्फेंजियोग्राफी, रेडियोलॉजिकल स्टडी ऑफ लिम्फ वेसल्स। जो अपने बॉडी में लिम्फ वेसल्स होते हैं, उनकी अपने रेडियोलॉजिकल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे इसमें एनाटॉमी। एज वी नो दैट आर्टरीज प्रोवाइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यू एंड वेन्स कलेक्ट्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द टिश्यू। जैसा कि हम जानते हैं, आर्टरीज क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को प्रोवाइड करवाती है, और वेन्स क्या करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से कलेक्ट करती है। नेक्स्ट, आर्टरीज एंड वेन्स कनेक्ट्स कैपिलरीज एंड ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज ए लिटिल अमाउंट ऑफ फ्लूड लीकेज आउट फ्रॉम द कैपिलरीज इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस व्हिच कंटिन्यूअसली प्रोवाइड्स न्यूरिशमेंट एंड एक्ट्स एज इम्यून रिस्पॉन्स बिकॉज इट हैव लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। दिस इंटरस्टिशियल फ्लूड इज कंसिडर्ड एज लिम्फ। ये क्या कह रहा है, आर्टरीज एंड वेन्स कनेक्ट्स कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन क्या होती है, कैपिलरीज के द्वारा कनेक्ट होती है। एंड ड्यूरिंग दिस एक्सचेंज ए लिटिल अमाउंट ऑफ फ्लूड लीकेज फ्रॉम द कैपिलरीज। जब ये फ्लूड का एक्सचेंज करती है, यानी ब्लड का ट्रांसफर करती है, तो क्या होता है, एक स्मॉल मात्रा में फ्लूड लीकेज हो जाता है कैपिलरीज के द्वारा। जो इंटरस्टिशियल स्पेस अपने कहा होता है, बॉडी में होता है, वहां पे क्या होता है, फ्लूड लीकेज हो जाता है। विच कंटिन्यूअसली प्रोवाइड्स नरिशमेंट, जो क्या करता है, पोषक प्रदान करता है लगातार। एंड एक्ट्स ए इम्यून रिस्पॉन्स, और एक इम्यून रिस्पॉन्स करता है बिकॉज, क्योंकि इट हैव लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इसके पास क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं। दिस इंटरस्टिशियल फ्लूड इज कंसिडर्ड एज लिम्फ। ये इंटरस्टिशियल फ्लूड क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है। एक बार इसको दोबारा देखो, आर्टरीज और वेन्स कैपिलरीज के द्वारा कनेक्ट होती है, और जब इसमें फ्लूड का एक्सचेंज होता है, तो एक फ्लूड थोड़ा सा लीकेज हो जाता है कैपिलरीज के द्वारा। ये कहाँ पे होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। ये क्या करता है, कंटिन्यूसली नरिशमेंट यानी पोषक प्रदान करता है, और एक इम्यून रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि इसके पास लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं। और ये इंटरस्टिशियल फ्लूड क्या कहलाता है, लिम्फ। नेक्स्ट है, लिम्फ कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस्ड सो इट हैज टू बी टेकन आउट फ्रॉम द टिश्यू सो स्मॉल सम फाइन वेसल्स आर प्रेजेंट विच कलेक्ट्स लिम्फ फ्रॉम द ऑर्गन्स एंड पुअर डक इट बैक इन टू द वेन्स सर्कुलेशन। लिम्फ क्या करता है, कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता रहता है, सो इट हैज टेकन फ्रॉम द टिश्यू। और ये टिश्यू से लगातार निकलता रहता है, जिससे क्या आते हैं, स्मॉल वेसल्स निकलती है जो इसको कलेक्ट करती है एंड प्रेजेंट विच कलेक्ट्स लिम्फ। और स्मॉल वेसल्स क्या करती है, इसको कलेक्ट करती है लिम्फ को फ्रॉम द ऑर्गन, ऑर्गन से, एंड इसको वापस वेंस सर्कुलेशन में भेज देती है। जो लिम्फ कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड होता है, इसको क्या करती है, सम स्मॉल वेसल्स इसको कलेक्ट कर लेती है और वापस ऑर्गन्स में रीसर्कुलेशन इसका कर दिया जाता है। दीज वेसल्स आर कॉल्ड लिम्फ वेसल्स ऑफ लिम्फेटिक्स। ये क्या कहलाती है, लिम्फेटिक्स की लिम्फ वेसल्स। एंड द सिस्टम ऑफ लिम्फ ड्रेनेज इज कंसिडर्ड एज लिम्फेटिक सिस्टम। और ये सिस्टम क्या कहलाता है, पूरा लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड्स फॉलोइंग कंपोनेंट्स। लिम्फेटिक सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, लिम्फ होता है, लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती है,
लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? एग्जाम्पल है इसका स्प्लीन एंड थाइमस, बोन मेरो। और लिम्फेंजियोग्राफी इवेल्यूट्स सिस्टम इंक्लूड्स लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फेटिक टिश्यूज। लिम्फेंजियोग्राफी में अपने क्या क्या चीज देख सकते हैं? लिम्फ नोड्स देख सकते हैं, लिम्फ वेसल्स देख सकते हैं और लिम्फेटिक टिश्यू देख सकते हैं। ये देखो इस डायग्राम्स में दिखाया गया, ये क्या है? लेक नेक के लिम्फ नोड्स है, इनको अपने क्या बोलते हैं? सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। ये अपने एक्सिलरी पार्ट्स के लिम्फ नोड्स हो गए और ये नीचे के अपने लिम्फ नोड्स हो गए। इसके बाद में इसका पढ़ते हैं अपने इंट्रोडक्शन। लिम्फेंजियोग्राफी इज ए रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर फॉर इमेजिंग ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम बाय इंट्रोड्यूसिंग ए रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया इनटू इट। लिम्फेंजियोग्राफी के द्वारा अपने क्या करते हैं? ये एक रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है जिसमें अपने इमेज लेते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंट्रोड्यूस करवा के। इट इज एन इन्वेसिव प्रोसेस। ये क्या होता है? एक इन्वेसिव प्रोसेस होता है। इसके बाद पढ़ेंगे अपने इसकी इंडिकेशंस, इसके क्या क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द लार्ज लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स। अपने को कोई भी लिम्फ नोड्स की लोकेशन या लिम्फ वेसल्स की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो ये प्रोसीजर अपने करेंगे। नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई द साइट ऑफ लिम्फेटिक ब्लॉकेज और ऑब्स्ट्रक्शन। कोई भी लिम्फेटिक ब्लॉकेज और लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। हॉडगिंस डिजीज, लिम्फोमास प्रोग्रेसिव पेनलेस कार्सिनोजेनिक इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। हॉडगिंस डिजीज क्या होती है? लिम्फ नोड्स का एक कैंसर होता है। लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया उसके लिए अपने ये प्रोसीजर करेंगे। लिम्फेंजाइटिस, लिम्फेंजाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक्स का इन्फ्लामेशन, लास्ट में ITIS लग गया तो इन्फ्लामेशन। फेलरियासिस, फेलरियासिस क्या होता है? एलिफेंटियासिस यानी एलिफेंट की पांव की तरह अपने पांव की स्ट्रक्चर हो जाती है। नेक्स्ट है लिम्फेडेनाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? लिम्फेडेनाइटिस मे बी ड्यू टू एक्यूट बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया से ये हो जाता है। लिम्फो एडिमा, टिश्यू स्वेलिंग ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना जिसमें टिश्यू की स्वेलिंग आ जाना, क्या बोलेंगे इसको? लिम्फो एडिमा। लिम्फाडेनोपैथी, इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स का इनलार्जमेंट होना उसको क्या बोलते हैं अपने? लिम्फाडेनोपैथी। लिम्फोमास, कैंसर ऑफ लिम्फ नोड्स का कैंसर, लिम्फोमास। टू विजुलाइज द पेटेंसी ऑफ लिम्फेटिक्स, लिम्फेटिक्स की पेटेंसी विजुलाइज करने के लिए। नेक्स्ट है अपना कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या हो सकते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी टू आयोडीनेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया, इन्फेक्शन, प्रेगनेंसी। अगर ये सारी कंडीशन है तो ये अपने प्रोसीजर नहीं करेंगे। इसके बाद आता है अपना कॉन्ट्रास्ट मीडिया। कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपने इसमें क्या यूज लेते हैं? मेथाइलिन ब्लू 1%, 10 mg पर अम्मल फॉर द विजुअलाइजेशन ऑफ लिम्फ वेसल्स। क्या यूज में लेंगे? मिथाइलिन ब्लू 1%। नेक्स्ट ऑयल सेल्युबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया लिपिडोल काम में लेते हैं फॉर द रेडियोलॉजिकल
ओपिसिफिकेशन के लिए। अब बात करते हैं अपने इसके इक्विपमेंट्स की, इसके क्या क्या इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। फ्लोरोस्कोपी यूनिट विद आईआईटीवी सिस्टम, स्पॉट फिल्म डिवाइस, कंप्यूटर मॉनिटर टीवी सिस्टम, एक्सरे कैसेट, लेड एप्रोन्स, ग्लव्स, सिरिंज 20 ml, गोज पीसेज, लोकल एनेस्थीसिया ऑफ लाइग्नोकेन 2% वेट बाई वॉल्यूम, आयोडीन सॉल्यूशन फॉर टॉपिकल स्क्रबिंग, स्क्रबिंग करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन का अपने काम में लेते हैं, बैंडेज, कॉटन हूल, प्लास्टिक फाइन कैथेटर फॉर लिम्फेटिक कैथेटर इंसिशन, सर्जिकल ब्लेड फॉर इंसिजन और स्प्रिट। अब बात करते हैं अपने इसकी पेशेंट प्रिपरेशन की, पेशेंट की क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले है टेल द पेशेंट टू डू नॉट ईट और ड्रिंक एट लीस्ट 5 to 6 hours प्रायर टू द एग्जामिनेशन। पेशेंट को कुछ भी खाने और पीने के लिए नहीं देंगे एग्जामिनेशन से 5 to 6 hours पहले। टेल द पेशेंट टू रिमूव एनी रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट्स अराउंड द रीजन ऑफ इंटरेस्ट, जिसका अपने को प्रोसीजर करना है वहां से सारे रेडियो ओपेक ऑब्जेक्ट्स निकलवा देंगे। आयोडिनेट कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड। सबसे पहले पेशेंट का क्या करवाएंगे अपने, आयोडिनेट कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी टेस्ट। फिर बात करते हैं अपने प्रोसीजर की, इसका क्या प्रोसीजर रहेगा। टेल द पेशेंट टू लाइज ऑन फ्लोरोस्कोपिक टेबल, पेशेंट को फ्लोरोस्कोपिक टेबल पर लेटने के लिए बोलते हैं। एंड पेशेंट शुड वियर क्लीन पेशेंट गाउन, और पेशेंट को क्लीन पेशेंट गाउन पहनाते हैं। नाउ द पाम एंड सोल्स ऑफ द पेशेंट शुड बी क्लीनेड विद आयोडीन सॉल्यूशन। अब क्या करेंगे, पेशेंट की पाम और सोल्स, हथेलियां और पाँव की थलियों को आयोडीन सॉल्यूशन से बिल्कुल क्लीन करेंगे। एंड नाउ द मेथाइलिन ब्लू शुड बी इंजेक्टेड इनटू द सेकंड और थर्ड इंटर डिजिटल स्पेस ऑफ द फिट एंड हैंड। अब क्या करेंगे, मेथाइलिन ब्लू इंजेक्टेड करेंगे हाथ या पाँव की सेकंड और थर्ड इंटर डिजिटल स्पेस के बीच में, जो अपने हाथ और पाँव की दूसरी या तीसरी उंगली है उन दोनों के बीच में क्या करते हैं अपने मेथाइलिन ब्लू इंजेक्टेड करते हैं। मेथाइलिन ब्लू इज ए ब्लू कलर डाई बींग यूज टू मेक द लिम्फ वेसल्स ब्लिश सो दैट कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन कैन बी परफॉर्म्ड। मेथाइलिन ब्लू इंजेक्ट करने के बाद क्या होगा, लिम्फ वेसल्स ब्लूइश कलर दिखाई देगी, यानी नीली नीली अपने को दिखाई देने लग जाएगी, तो अपने कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इट हैज टू बी रिमेंबर दैट मेथाइलिन ब्लू इज नॉट एन ओपेसिफाइड डाई, इंसिटेड इट इज यूज्ड टू विजुअलाइजेशन ऑफ लिम्फेटिक्स। ये अपने को याद रखना है कि मेथाइलिन ब्लू वो क्या है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया नहीं है, ये एक डाई है विजुअलाइजेशन ऑफ लिम्फेटिक्स, यानी लिम्फेटिक्स को देखने के लिए। मेथाइलिन ब्लू इंसर्ट करने के बाद क्या होता है, जो अपने वेसल्स है वो क्या है, ब्लू कलर में दिखाई देने लग जाती है। आफ्टर ए प्रॉपर एग्जामिनेशन ऑफ लिम्फ वेसल्स कॉन्ट्रास्ट इंजेक्टेड कैन बी प्लानेड। जब अपने प्रॉपर लिम्फ वेसल्स अपने को दिखाई देने लग जाती है तो अपने क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने की प्लानिंग करते हैं। अराउंड 15 to 20 minutes आफ्टर द मेथाइलिन ब्लू इंसर्शन इट स्टार्ट्स मेकिंग द लिम्फ चैनल्स ब्लू। मेथाइलिन ब्लू इंसर्ट करने के 15 से 20 मिनट बाद क्या होगा, लिम्फ चैनल्स है वो ब्लू कलर में अपने को दिखाई देने लग जाएंगे।
नेक्स्ट क्या है, नाउ रेडियोलॉजिस्ट सिलेक्ट द लार्ज लिम्फ वेसल्स एंड देन नंबर ऑफ एरिया वेयर कॉन्ट्रास्ट विल बी इंजेक्टेड। अब रेडियोलॉजिस्ट क्या करता है, एक लार्ज लिम्फ का सिलेक्शन करता है और उस एरिया का सिलेक्शन करता है जहाँ से कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्ट करना है। आफ्टर मेकिंग श्योर द लार्ज लिम्फ चैनल्स स्मॉल इंसिजन नीड्स टू बी मेक फॉलोअर्ड बाई द आयोडीन स्क्रबिंग एंड एन इंजेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थीसिया। अब क्या करेंगे, लार्ज लिम्फ का सिलेक्शन करने के बाद उसको आयोडीन सॉल्यूशन से स्क्रबिंग करेंगे और लोकल एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाएंगे। उसके बाद स्मॉल इंसिजन करते हैं अपने लिम्फ चैनल्स पे, छोटा सा कट लगाएंगे। नाउ ए स्मॉल फाइन कैथेटर नीड्स टू बी प्लेस्ड इनटू द लिम्फेटिक चैनल्स एंड रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट शुड बी इंजेक्टेड अंडर फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल। अब क्या करेंगे, एक स्मॉल कैथेटर है जो नीड्स प्लेस्ड इनटू द लिम्फेटिक चैनल्स, जिसको अपन ने क्या किया है, लिम्फेटिक चैनल्स में प्लेस्ड कर दिया है और रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट को इंजेक्टेड करेंगे फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल में। कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन शुड बी परफॉर्म्ड ए वेरी स्लो रेट सो दैट द होल अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट विल बी डिलीवर्ड 60 to 90 मिनट्स। कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन क्या होता है अपना, वेरी स्लो रेट में होता है, ये लगभग 60 to 90 मिनट्स में रहेगा। आफ्टर इंजेक्टिंग द कॉन्ट्रास्ट मीडिया अंडर फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल एप्रोप्रिएट रेडियोग्राफ्स कैन बी टेकन इन एपी एंड लेटरल व्यूज विच विजुलाइज कॉन्ट्रास्ट फील्ड लिम्फ नोड्स एंड ड्रेनिंग ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट रेडियोग्राफ्स, जो भी अपने को इमेज लेनी वो लेंगे। इसमें कौन सी इमेज लेते हैं, एपी एंड लेटरल व्यूज, एपी और लेटरल व्यूज लेंगे, जिसमें अपने को कॉन्ट्रास्ट फील्ड लिम्फ नोड्स एंड ड्रेनिंग ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, यानी लिम्फ नोड्स क्या है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया से फील्ड अपने को विजुलाइज हो जाते हैं। उसके बाद अपने बात करेंगे आफ्टर केयर की। आफ्टर द प्रोसीजर द इंसिजन साइट शुड बी ड्रेस्ड केयरफुली एंड एप्रोप्रिएट बैंडेज कैन बी प्लेस्ड। पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद क्या करेंगे, इंसिजन साइट पे पूरी ड्रेस्ड करेंगे केयरफुली और अच्छी तरह उस पर बैंडेज लगा देंगे। देखो प्रोसीजर में अपना क्या था, सबसे पहले पेशेंट को फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे लेटाएंगे, उसके बाद उसमें मेथाइलिन ब्लू का अपने इंजेक्ट करते हैं। कहाँ इंजेक्ट करते हैं, सेकेंड और थर्ड इंटर डिजिटल स्पेस के बीच में, हाथ या पांव के दूसरी और तीसरी उंगली के बीच में मेथाइलिन ब्लू को इंजेक्ट करेंगे। उसके 15 से 20 मिनट बाद क्या अपने को वहां पे ब्लू दिखाई देने लग जाएगी, या वेसल से वो ब्लू कलर में दिखाई देने लग जाएगी। फिर रेडियोलॉजिस्ट क्या करता है, बड़ी वेसल्स का सिलेक्शन करता है और उस पर स्क्रबिंग करके एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देके इंसिजन करता है, यानी लिम्फ चैनल्स पे छोटा सा कट लगाता है। फिर उसमें क्या करेगा, प्लास्टिक कैथेटर अपने जो पास था वो कैथेटर प्लेस्ड करेगा और रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इंट्रोड्यूस करवाएगा, इंजेक्ट करेगा। ये सारा प्रोसीजर अपने क्या होता है, फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल में होता है। और जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया वो कितने टाइम में इंसर्ट होता है, 60 to 90 मिनट्स, वेरी स्लो रेट में, ताकि वो क्या अपने पूरी वेसल्स में धीरे धीरे फैल जाए। उसके बाद जो भी अपने को रेडियोग्राफ्स इमेज लेनी होती है, अपने एपी और लेटरल व्यू में पेशेंट की इमेज लेते हैं, ताकि अपने क्या है, लिम्फेटिक चैनल से वो विजुलाइज हो जाए। उसके बाद अपने पेशेंट की केयरफुली ड्रेस्ड और बैंडेज लगा के उसको वहां से हटा सकते हैं, और ये प्रोसीजर अपना कंप्लीट होता है। थैंक यू।